नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं एक सवाल। सवाल, किसका हो रहा पोषण? महिला सशक्तिकरण का दम भरने वाली मध्य प्रदेश सरकार मैदानी हकीकत से आंखें मोड़ रही है, इसलिए प्रदेश की बहनों का भाई होने का दावा करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के राज में महिला कल्याण की योजनाओं का दम फूल रहा है। 14,000 करोड़ से ज्यादा के सालाना बजट वाला महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनवाड़ियों के जरिए दे जाने वाला पोषण आहार तक उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। खुद मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र समेत पूरे भोपाल संभाग में बीते 3 महीने से धात्री महिलाओं को पूरक पोषण आहार तक नहीं बांटा गया। प्रशासनिक अमला कैसे सीएम के सपने को पलीता लगा रहा है, इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। यह केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बेटी, बहन और मां के कल्याण के लिए काम करती है। दिल्ली में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये दावा आए दिन सुनने को मिल जाता है, लेकिन इन दावों की हकीकत जानना हो तो हम आपको ले चलते हैं उनके विधानसभा क्षेत्र में। उनके निर्वाचन क्षेत्र के नसरुल्लागंज कस्बे की तस्वीर आंखों पर बंधी पट्टी खोल देगी। सीएम के इस इलाके में बीते 3 महीनों से महिलाओं और बच्चों को पूरा पोषण आहार नहीं बांटा जा रहा है। इसके चलते करीब 273 आंगनबाड़ी केंद्रों पर दर्ज 19,000 से ज्यादा बच्चे और 4,000 से ज्यादा महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। इन्हें वो सरकार पूरक पोषण आहार नहीं दे पा रही, जिसके मुखिया इन महिलाओं के भैया और इन बच्चों के मामा हैं। इनमें वे धात्री महिलाएं भी शामिल हैं जो अभी नव जन्मे बच्चों को स्तनपान कराती हैं और जिनके लिए पूरक पोषण आहार बहुत जरूरी है, लेकिन शिवराज में ये संभव नहीं हो पा रहा है। ये हालात तब है जब ये क्षेत्र सीएम का है और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए जिम्मेदार महिला एवं बाल विकास के मुखिया भी खुद मुख्यमंत्री हैं। बहनें परेशान हैं कि वे अब किससे गुहार लगाएं। जिस प्रकार गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार मिलता था, आपको कब से नहीं मिला? 3 महीने से नहीं मिल रहा है। क्या कारण हुआ इसमें? अब ये नहीं पता क्या कारण हुआ है। तो इसके लिए आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आंगनबाड़ी मैडम से कहा था, उन्होंने कहा सरों से, पर अब इसके पता नहीं अब ऊपर बात चली है कि नहीं चली है। अभी पोषण आहार है कब से नहीं आ रहा है? 3 महीने से नहीं आ रहा। तो इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आपने शिकायत की? हाँ, हमने मैडम की शिकायत की थी, मैडम ने भी ऊपर शिकायत की थी, पर ऊपर से ही नहीं आ रहा। 3 महीने का समय हो चुका है। पड़ताल करने पर पता चला कि ये हालात सिर्फ नसरुल्लागंज के नहीं है, बल्कि पूरे भोपाल संभाग में यही स्थिति है। पूरक पोषण आहार सप्लाई करने वाली एजेंसी जिम्मेदारों ने बदल दी। बदलाव के साथ शायद वे लोग सब कुछ भूल गए, इसलिए भोपाल संभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 महीने से पूरक पोषण आहार के पैकेट ही नहीं पहुँचे और करीब 3 लाख महिलाओं को पूरक पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर सिर्फ वही बच्चे पहुंच रहे हैं जिन्हें पोषण आहार मिलता है। इन महिलाओं के लिए जिम्मेदार लोग भले ही मुंह सिल कर बैठ गए हों, लेकिन जो परेशान है उनके दिल की तकलीफ जुबान पर आ रही है। शीतल, एक बात बताइए ना, जो अभी पूरक आशा पूरक अनाज मिलता था, आपको मिला है क्या? नहीं, नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, मैडम ने बताया है कि क्यों नहीं मिला, कब से नहीं मिला? नहीं बताए तो कब से मिला है, क्या मिला है? आपको अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। आपने कितनी बार गए आंगनबाड़ी? जाती हूँ। हाँ, बच्चे को लेकर जाती हूँ। अच्छा। सिर्फ खाना मिलता है यहाँ? सिर्फ खाना। अभी पैकेट मिलता है वो खिचड़ी का, वो मिलता है जो पहले मिलता था, वो नहीं मिल रहा ना? नहीं, वो नहीं मिल रहा है, पर अभी खिचड़ी का पैकेट जो मिलता है वो तो दे रहे हैं वो। अच्छा, इन बच्चों के लिए पूरा पोषण आहार वाला आपको नहीं मिल रहा अभी? हाँ। क्या कहेंगे पूरक पोषण आहार, क्योंकि बच्चों को, लेकिन स्लम एरिया में भी है जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल रहा है, तो आप क्या सोचते हैं? नहीं, उनको तो मिलना चाहिए ना, जिनको जरूरत है उनको मिलना चाहिए। सीएम की विधानसभा क्षेत्र और राजधानी भोपाल के इन हालातों से प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये स्थिति तब है जब खुद मुख्यमंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रभारी है और 14,000 करोड़ से ज्यादा का बजट विभाग को आवंटित है। इसके साथ ही सरकार ने सभी विभागों में जेंडर बजटिंग सिस्टम लागू करके महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए अलग से बजट का निर्धारण कराया है। लेकिन इतने भारी भरकम बजट और इन योजनाओं को किस तरह पलीता लगाया जा रहा है, इसे जानने के लिए महिला एवं बाल विकास के कमिश्नर द्वारा 7 मार्च को विभाग के प्रदेश भर के आला अफसरों को लिखा गया ये पत्र काफी है। ये पत्र ये कड़वी सच्चाई बयान करता है कि विभाग के मैदानी अफसरान
विभिन्न मदों में आवंटित बजट ही खर्च नहीं कर पाए। प्रदेश के बजट की तो छोड़िए, केंद्र से मिलने वाली राशि भी पूरी तरह से खर्च नहीं हुई, इसलिए केंद्र से अगली किश्त रोक ली गई और अब स्पष्टीकरण मांगने के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। रिपोर्ट ये बताने के लिए काफी है कि कैसे नित्य नई योजनाओं का दम भरने वाली सरकार को उसके ही अधिकारी पलीता लगा देते हैं। सरकार की नाक के नीचे लापरवाही का खुला खेल चलता रहता है और किसी को भनक तक नहीं पड़ती। लेकिन भला इन सब के बीच गरीब और जरूरतमंद का क्या, जो अब भी सरकार की तरफ बड़ी उम्मीद से टकटकी बांधकर देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। सवाल कहीं नहीं गया, वो अब भी बना हुआ है और सवाल ये है किसका हो रहा है पोषण। रिपोर्ट आपने देख ली, रिपोर्ट में हकीकत भी देख ली, अब जरा एक बार उन आंकड़ों पर भी नजर डालिए जो महिला एवं बाल विकास विभाग का दावा पेश कर रही है, या यूं कहिए कि आसमानी दावा पेश कर रही है जिसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं। सरकारी रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश में संचालित होने वाली आंगनवाड़ियों में 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों और धात्री या गर्भवती महिलाओं को हर हफ्ते मिलने वाला पोषण पूरक आहार का चार्ट गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। पूरक पोषण आहार योजना मध्य प्रदेश ने यह चार्ट प्रिपेयर किया था और जाहिर सी बात है जब यह चार्ट प्रिपेयर किया जा रहा होगा तो कुछ जानकार और कुछ विशेषज्ञों की टीम द्वारा इस पर ध्यान दिया गया होगा और इस वजह के बाद यह चार्ट प्रिपेयर किया गया होगा और इस पर हमारे साथ डाइटिशियन अंजू विश्वकर्मा जुड़ चुकी है, जरा उनसे बातचीत करते हैं। अंजू जी, मध्य प्रदेश सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था महिलाओं और बच्चों के लिए, यानी गर्भवती महिलाएं या जो धात्री महिलाएं हैं उनके पोषण के लिए यह बजट तैयार किया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही जहां पर इन महिलाओं को यह पोषण आहार ही नहीं पहुंच रहा है, पूरा बजट ही खर्च नहीं हो पाया। जरा हमारे दर्शकों को यह बताइए कि ये जो चार्ट बना है या जो ये पोषण आहार होता है पूरक पोषण आहार, इसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित होनी चाहिए ताकि एक गर्भवती महिला को या फिर 6 माह से 3 साल तक के बच्चों को पूरा आहार मिल सके। देखिए, 6 माह से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा कैलोरीज की जरूरत होती है, वो 800 होती है, साथ साथ 20-25 ग्राम उनको प्रोटीन चाहिए होता है, जिसकी सरकार ने पूरक पोषण आहार से उसको कम्प्लीट करने की कोशिश की है। अगर उनको पूरक पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है तो वो कुपोषित हो सकते हैं, अलनरिस्ड हो सकते हैं, प्रोटीन की कमी हो सकती है, विटामिन की कमी हो सकती है। वहीं अगर हम गर्भवती महिला की बात करें या फिर स्तनपान कराने वाली महिलाओं की बात करें तो उनको 600 कैलोरी और 18-25 ग्राम प्रोटीन इसकी एक्स्ट्रा नीड होती है, जो कि वो कंप्लीट नहीं कर पाती है और पूरक पोषण आहार से वो कंप्लीट हो सकता है। अगर उन तक ये न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है तो काफी सारी बीमारियां भी हो सकती है, एनेमिक हो सकती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थी हमारे साथ डाइटिशियन और न्यूट्रिशियन अंजू जी, जिनका कहना है कि अगर पोषण आहार महिलाओं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को नहीं मिल पाते हैं तो कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की कमी हो सकती है और जिससे उनकी सेहत पर सीधा नुकसान पहुंच सकता है। और इस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से संजय डोंगर देवे जुड़ चुके हैं, उनसे जरा बातचीत करते हैं। संजय, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से पोषण आहार को लेकर पलीता लगाया जा रहा है, 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ना उन महिलाओं को पोषण आहार मिला ना उन बच्चों को, आखिर उनकी थाली से ये पोषण आहार छीनने वाले अधिकारी कहां गायब हो जा रहे हैं? सर, इस बारे में भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल ऋषभ, अगर देखा जाए जिस प्रकार से पूरक पोषण आहार की हम बात कर रहे हैं, पूरक पोषण आहार जो इन महिलाओं को देने की बात कर रही थी सरकार, इससे पहले बात कर रही थी, बड़े बड़े दावे हमने सरकार के देखे हैं कि सरकार जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो धात्री महिला हैं, जो उन महिलाओं को और 3 साल से ऊपर तक के बच्चों को लेकर इस प्रकार के अंक जो पूरक पोषण आहार देने की बात करती थी। लेकिन अगर 3 महीने से देखा जाए तो जिस प्रकार से मैं भोपाल की बात कर लूं तो भोपाल में लगभग 1 लाख से अधिक बच्चे हैं जिन्हें हर मंगलवार
परिवार को यह पूरक पोषण आहार दिया जाता था और लगभग 8 से 8.5 2000 के लगभग महिलाएं हैं जिन्हें यह पूरक पोषण आहार मिलना था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही, जो अधिकारी है उनकी लापरवाही के कारण हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का पूरक पोषण आहार जो आज मध्य प्रदेश की इन महिलाओं को नहीं मिल रहा है। इससे पूरे के अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो हमने देखा था कि जो कुपोषण के मामले में भी मध्य प्रदेश कितने बड़े कौन से स्थान पे था और किस प्रकार से कुपोषण के भी केसेस मध्य प्रदेश में बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हम कह सकते हैं महिला बाल विकास की बात कर ले, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात कर ले या आजीविका मिशन की बात कर ले, जो बड़े बड़े दावे करती है उन दावे की फोल यहीं पर खुलती हुई दिखती है कि 3 महीने से इन महिलाओं को जिस प्रकार से पूरक पोषण आहार मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला। सबसे ज्यादा अगर बात करी जाए पूरक पोषण आहार की जो जरूरत रहती थी, जो ये महिलाएं हैं, जो स्लम की महिलाएं रहती है, जो अपने दिन भर से काम करने के बाद जो दाल रोटी खाकर अपना काम तो चलाती हैं, लेकिन उसके साथ जो पूरक, जिस प्रकार से हमें अभी डाइटिशियन ने भी बताया कि इन्हें कई विटामिन की जरूरत होती है, कई इसमें मैग्नीशियम की जरूरत होती है, जो इनको आगे आने वाले समय में और बच्चों को तरक्की देने में या बच्चों के बढ़ाव में भी उसका उपयोग होता है, लेकिन उस प्रकार की सुविधाओं से भी सरकार के दावों की पोल खुल रही है कि यहाँ पे 3 महीने से इस प्रकार के पूरक पोषण आहार इन महिलाओं और इन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर बात करूं तो सरकार के जो आइंदे हैं वो आंख बंद करके पड़े हुए हैं, उन्हें किसी प्रकार से नहीं, सिर्फ घोषणा और घोषणा से काम चला रहे हैं, ना कि इन महिलाओं और बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। जी ऋषभ। संजय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था मध्य प्रदेश गजब है, अजब है और सजग भी है, लेकिन यहां पर उन अधिकारियों की सजगता कहां गायब हो जाती है जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऋषभ, अगर मैं राजधानी की बात करूं तो राजधानी में सिर्फ ये कह सकते हैं जो आरामदायक, जो आराम के लिए आते हैं, जो बड़े बड़े और भी जानकारी लेंगे। नसरुल्लागंज से हमारे सहयोगी संजय मीणा जुड़ चुके हैं, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। संजय, नसरुल्लागंज, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सेहोर के पास नसरुल्लागंज, नाम बदल दिया गया, भैरुंदा कर दिया गया, लेकिन क्या नाम बदलने से वहां की जो पोषण की स्थिति है वो सुधर जाएगी? क्या महिलाओं की स्थिति सुधर जाएगी? क्या उनकी थाली से जो निवाला छीना जा रहा है, जो बच्चों से निवाला छीना जा रहा है, क्या वो पहुंच जाएगा? जी, मैं इस पर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार मुख्यमंत्री के क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को 3 माह से जो पोषण आहार है वो बांटा नहीं गया है, इसको लेकर हमने जो अधिकारी है उनसे बात की गई है, जिला अधिकारी की परियोजना अधिकारी उनसे बात की गई है, तो उन्होंने कुछ भी इस पर कहने से मना कर दिया, वो इस बात को उससे अपनी बात रखने से बचते नजर आए। वही देखा जाए तो मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जो ब्लॉक स्तर पर अधिकारी हैं, ब्लॉक अधिकारी हैं, उनकी 7 माह से पोस्ट खाली पड़ी हुई है। अभी जो जिले के जो जिला अधिकारी हैं खत्री जी, वो यहाँ देख रहे हैं। संतोष, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो इन सवालों से बचते नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी ये हाथ है, कहीं ना कहीं वो भी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। जी, जिस प्रकार से वो अपनी बात कहने से बच रहे हैं, लगता तो यही है कि क्या कारण रहा है आखिर की 3 माह से जो गर्भवती महिला उनको पोषण आहार नहीं बांटा गया है। हमारी फोन द्वारा उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने ये कहा है कि अभी पोषण आहार नहीं, लेकिन हमने अगला टेंडर जारी कर दिया है जिसमें हो सकता है अगले महीने महिलाओं को भोजन उपलब्ध हो सके। ठीक है संतोष, आपने तमाम महिलाओं से बातचीत भी की, उन्होंने कहा कि पोषण आहार 3 महीने से नहीं मिल रहा है, जरा ये भी बताएं कि ये जो पोषण आहार सरकार की तरफ से बच्चों और महिलाओं को दिया जाता है ये उनकी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि नसरुल्लागंज तहसील के आदिवासी अंचल में मैं पहुंचकर मैंने गर्भवती महिलाओं से बात की, जो महिलाएं रोजी रोटी के तलाश में सुबह से ही जंगलों में निकल जाती है, इस समय महुआ का सीजन चल रहा है तो महुआ भी नहीं निकल जाती है वो, और अपनी जरूरतों के हिसाब से खेती बाड़ी के काम करती है, आज उनको पोषण आहार समय पर नहीं मिल रहा है जिसके कारण उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है संतोष, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। अंकित जोशी विदिशा से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा विदिशा का भी हाल जान लेते हैं कि वहां की महिलाओं की स्थिति क्या है। अंकित, कुपोषण लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री ने पोषण आहार की व्यवस्था की थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये पोषण आहार महिलाओं की थाली से गायब होता जा रहा है, करीब 3 महीने हो चुके हैं ये पोषण आहार महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रहा है। बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक धात्री महिला के लिए, एक गर्भवती महिला के लिए, 6 महीने से 3 साल के बच्चे के लिए पोषण आहार बहुत ज्यादा जरूरी होता है,
लेकिन कहीं ना कहीं पोषण आहार में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। क्या कहती विदिशा की महिलाएं? जी ऋषभ, मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में पोषण आहार योजना शामिल थी, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और ही है। विदिशा शहरी क्षेत्र में कुल 178 आंगनबाड़ी केंद्र है, जिनमें आज घूमने पे पता चला है कि पिछले 3 से 4 महीने से यहाँ पर कोई भी पोषण आहार महिलाओं को बच्चों को नहीं दिया जा रहा है, जिससे बहुत ही दुखद और दयनीय स्थिति पैदा हो रही है। पोषक तत्वों की कमी हो रही है, जिससे कि बीमारियां होने का भी खतरा है। अंकित, वहां के अधिकारियों से भी बात की होगी आपने, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भी बात की होगी, आखिर क्या वजह है कि पोषण आहार महिलाओं तक नहीं पहुंचाया जा रहा? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से बात करने पे ये पता चला है कि ऊपर से सरकार की तरफ से ही ये पोषण आहार नहीं दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ परियोजना अधिकारी से भी बात करने की कोशिश करी गई, लेकिन उन्होंने सही सही कोई भी जवाब देने से बिल्कुल वो नकार रहे हैं। अंकित, इसके अलावा कई बार ऐसी भी तस्वीरें पहले आ चुकी है जब ये पोषण आहार की कालाबाजारी की जा रही थी, मार्केट में इन पैकेट्स को बेचा जा रहा था, क्या ऐसी कुछ तस्वीरें ऐसी कुछ खबरें विदिशा से आई जिस वजह से इन महिलाओं और बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा? ऋषभ, ऐसा है कि संपूर्ण ही मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पूरी तरह से लिप्त है, और हर जगह पर भ्रष्टाचार की कई घटनाएं हो रही है। विदिशा में भी कई जगह ऐसा सुनने और देखने को मिला है कि पोषण आहार के पैकेट आंगनवाड़ियों में न बटते हुए बाजार में बिकने को आ रहे हैं। ठीक है अंकित, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारी लेंगे। और भोपाल से हमारे सहयोगी संजय लगातार जुड़े हुए, जरा उनसे बातचीत करते हैं। संजय, महिला एवं बाल विकास विभाग खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस विभाग में ही खानापूर्ति की जा रही, भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए और वो भी बता रहे हैं कि करीब 3 महीना हो चुका है ये पोषण आहार उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्या भोपाल में भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई जब इन पोषण आहार के पैकेट्स की कालाबाजारी की गई, जब इन्हें दुकान में, किराने की दुकान में बेचा गया, और जिस वजह से इन महिलाओं तक ये पैकेट्स नहीं पहुंच पा रहे? ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि मैं जिस इस टाइम जहां खड़ा हूं, ये है भीमनगर जो है अपनी में पूरक पोषण आहार की बात करूं तो इन महिलाओं को 3 महीने से, मेरे जिस प्रकार से बताया जा रहा है, जो स्लम एरिया है जहां पर मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं कि लाडली बहनाओं को लेकर समय देते हैं, लेकिन लाडली बहनाओं को सिर्फ नाम के लिए लाडली बहना बना दिया है, उनकी ओर ध्यान देने की बात करी जाए, जिस प्रकार से प्रेग्नेंट महिलाओं की अगर स्लम एरिया में बात की जाए तो स्लम एरिया में सबसे ज्यादा इन पूरक पोषण आहार की जरूरत होती है। लेकिन अगर मैं जिस भीमनगर में खड़ा हूं, यहां पर भी भीमनगर की आंगनवाड़ी में भी जो वल्लभ भवन के सामने है, जहां सारे अधिकारी, मंत्री, सभी लोग बैठते हैं, वहां पर भी पोषण पूरक पोषण आहार का वितरण नहीं हो रहा है, जिसको लेकर कई बार बात भी कर दे कि अधिकारियों की बात करूं तो अधिकारी बिल्कुल साफ मुकरते हैं, यहाँ पर जो अधिकारी बैठते हैं वो अधिकारी सिर्फ प्रेशर पावर से यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्हें फील्ड में निकलना नहीं है, उन्हें एसी में बैठकर बस मजा लेना है, इसीलिए वो लोग इन प्रकार की आंगनवाड़ियों में जाकर काम करते नहीं है। आंगनवाड़ियों में जो महिलाएं होती है उनका भी यही कहना है कि जो चीज हमारे पास आती है हम महिलाओं तक पहुंचाते हैं। जब हमारे पास अधिकारी है तो अपने एसी वाले चैम्बर में ठंडा पानी पीते हैं, और जमीनी स्तर पर जो कार्यकर्ता करने वाली रहती हैं, वो उन्हें जवाब देना पड़ता है महिलाओं को कि अभी सरकार की तरफ से ही पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है। लेकिन संजय, यहां पर बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भरे मंच से कहते हैं महिलाओं के लिए, दावा ठोकते हैं कि प्रदेश की महिलाओं को चिंता करने की जरूरत नहीं, उनका भाई, उनका मामा उनके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन तस्वीरें इसके बिल्कुल उलट हैं। लाडली बहना योजना स्वीकृत कर दी गई, ₹1,000 महिलाओं के खाते में डाल दिया जाएगा, लेकिन संजय, क्या यह समझा जाए कि ₹1,000 महिलाओं को दे दिया जाएगा, अब बाकी के पोषण की व्यवस्था आप कर लीजिए? संजय, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी बातचीत करेंगे। लटेरी से हमारे सहयोगी विनोद सूर्यवंशी जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। विनोद, क्या स्थिति है लटेरी की? क्या वहां की भी महिलाओं को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है? क्या वहां के भी मासूम बच्चों की थाली से पोषण गायब होता जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि अभी जो हमने जानकारी इस मामले को लेकर जुटाई है वो ये सामने आ रही है कि लटेरी क्षेत्र में लगभग 11 माह से
महिलाओं को जो है, गर्भवती महिलाओं को जो है वो पूरक पोषण आहार वितरण नहीं किया जा रहा है। हालांकि महिलाओं ने भी ये बताया कि लगभग 11 महीने से जो है, पिछले जुलाई से जो है, उनको पूरक पोषण आहार वितरण नहीं किया जा रहा है। और ये बात जो है महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारियों ने खुद हमें बताई है। देखिए कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर देखा जाए तो सरकार के द्वारा योजनाएं तो चलाई जाती हैं, लेकिन उनका सही तरीके से उपयोग जमीनी स्तर पर नहीं होता है। हालांकि लटेरी में जो महिला बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी हैं उनसे हमने बात करना चाहिए, लेकिन अन्य और जानकारी उनके पास खुद भी मौजूद नहीं थी कि हालांकि क्षेत्र में कितनी महिलाएं जो है वो गर्भवती हैं और कितने जो है बच्चे को पोषण है। विनोद, इसके अलावा अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि कहीं 3 महीने से पोषण आहार नहीं दिया गया, कहीं और लंबा वक्त हो गया। आप बता रहे हैं जैसे कि 11 महीने करीब हो चुके हैं महिलाओं को पोषण आहार नहीं दिया जा रहा है, वहां की महिलाओं से आपने बातचीत की होगी, क्या उन महिलाओं को इन पोषण आहार की जरूरत महसूस होती है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं पहले से सरकार द्वारा जो पूरा पोषण आहार महिलाओं को वितरण किया जाता था, कहीं ना कहीं उसके फायदे महिलाओं को देखने को मिलते थे, लेकिन लगभग 11 महीने से जो है पूरा पोषण आहार वितरण कहीं भी लटेरी क्षेत्र की किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर वितरण नहीं किया जा रहा है। जैसा कि मैं बता दूं कि लटेरी क्षेत्र में 281 आंगनबाड़ी केंद्र है, जहाँ हमारी कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है और उन्होंने भी बताया कि लगभग 11 महीने से जो है पिछली जुलाई से पूरा पोषण आहार यहाँ क्षेत्र में वितरण नहीं किया जा रहा है। यहाँ सिर्फ बच्चों को नाश्ता और खाना दिया जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों पर। विनोद, बच्चों से आपने बातचीत की होगी, आंगनबाड़ी की महिलाओं से भी आपने बातचीत की होगी, वहां की कार्यकर्ताओं का क्या कहना है? क्या वो भी ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से पैकेट्स नहीं आ रहे हैं या पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है जिस वजह से हम बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं खाना पूर्ति की जा रही है, अधिकारियों द्वारा सवालों के जवाब से बचा जाता है? विनोद, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, लगता आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा, आपके पास वापस से आएंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि आज स्वराज एक्सप्रेस द्वारा एक सवाल पूछा जा रहा है तमाम प्रशासन के अधिकारियों से और उन जिम्मेदारों से कि किसका हो रहा है आखिर पोषण, जब पोषण जिनकी जरूरत है, जिन महिलाओं को जरूरत है, जिन बच्चों को जरूरत है, जब उनका पोषण नहीं हो पा रहा है तो आखिर किसका पोषण हो रहा है? एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है सरकार की तरफ से। और आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जवाब दे दिया जा रहा है कि सरकार की तरफ से पोषण आहार नहीं पहुंचाया जा रहा है, इसलिए उन महिलाओं तक, उन बच्चों तक ये पोषण आहार नहीं पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इन सवाल के जवाब सिर्फ इतना दे देने से बात नहीं बनती है। हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे बातचीत करते हैं। संजय, जैसा कि विनोद हमारे सहयोगी लटेरी से बता रहे थे कि करीब 11 महीना हो चुका है, 11 महीने से पोषण आहार महिलाओं और बच्चों में नहीं बांटा गया है, एक लंबा वक्त हो गया है। एक तरफ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भरे मंच से कहते हैं कि महिलाओं को परेशान होने की और चिंता करने की जरूरत नहीं, उनका मामा उनका भाई खड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर जमीनी हकीकत कुछ और है। क्या समझा जाए, जनता आखिर क्या समझे? लाडली बहना योजना के जरिए 1,000 रुपए खाते में डाल दिया जाएगा, अब आप अपने पोषण की व्यवस्था खुद कर लीजिए, क्या यह मैसेज दिया जा रहा है? बिल्कुल ऋषभ, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने जो जिस प्रकार से अभी घोषणा की है लाडली बहना में 1,000 रुपए देने की, वो सभी के लिए है, मान लिया कि वो लाडली बहनों को मिलेगा, लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने कुपोषण में एक उच्च स्थान प्राप्त किया था, क्या उस कुपोषण को मिटाने के लिए जिस प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है वो हमें, जिस प्रकार हमें चाहे हम सिरोज की बात कर ले या नसरुल्लागंज की बात कर ले, भोपाल जैसे, रोकना चाहूंगा आपके पास, वापस से आऊंगा। बाड़ी बरेली से मधुर राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाड़ी बरेली से मधुर, जब तहकीकात में गए, जमीनी स्तर पर गए तो अंतिम छोर तक गए और उन्हें पता चला कि किस तरीके से भ्रष्टाचार और लीपापोती हो रही। मधुर, क्या स्थिति है वहां की? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं ये एमपी एग्रो का पोषण आहार संयंत्र है, आप देख सकते हैं ये बीते 4 माह से बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर आने के बाद मेरे को पता लगा तो यहाँ के न कर्मचारी जवाब दे रहे हैं आखिर क्यों बंद पड़ा है, और यहाँ के प्रभारी से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने भी फोन अटेंड नहीं किया। आप देख सकते हैं ये महिला, गर्भवती महिला को जो पोषण आहार दिया जाता है और करोड़ों की लागत से ये पोषण आहार संयंत्र बना हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये दम तोड़ता नजर आ रहा है। तो मधुर, क्या ये समझा जाए जिस तरीके से बीजेपी ने कहा था कि लाडली बहना योजना अब गेम चेंजर साबित हो सकती है, पूरा वोट बैंक महिलाओं को खींच लिया जाएगा बीजेपी के जरिए, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत महिलाओं को इन पोषण आहार की है,
तब सरकार बिल्कुल ढीला रवैया अपना रही है, या यूं कहें जो जिम्मेदार अधिकारी सवालों से बचते नजर आते हैं। मधुर जी बिल्कुल, एक और शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने की बात करती है, तो वहीं ये चार महीने से ये बंद पड़ा हुआ, इससे ये साबित होता है कि मध्य प्रदेश मधुर आखिर क्या कारण है, ये प्लांट क्यों बंद पड़ा है लंबे वक्त से, जरा ये भी बताएं। ये इसका जवाब देने के लिए ना तो यहाँ के कर्मचारी जो यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ के कर्मचारी जवाब देने में भी हटला रहे हैं और यहाँ के प्रभारी भी नहीं दे पा रहे हैं। मधुर इसके अलावा आपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की होगी, आंगनवाड़ी सहयोगियों से बातचीत की होगी, महिलाओं से बातचीत की होगी, क्या कहना है उनका? बिल्कुल, महिलाओं का ये कहना है कि यहाँ पोषण आहार हमें ना पूरा पोषण आहार दिया जा रहा है और ना ही। मधुर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शमशाबाद से हमारे सहयोगी चैन सिंह मीणा जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। चैन सिंह, शमशाबाद की क्या स्थिति है, क्या वहां की महिलाओं के पास भी पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है? जैसे मध्य प्रदेश से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं 3 महीने से पोषण आहार नहीं मिला, कहीं 11 महीना हो गया, क्या ऐसी स्थिति वहां पर भी है? देखिए शमशाबाद के चाय पर मैं खड़ा हूँ, ये पूरा आदिवासी बस्ती और महिलाएं मेरे पीछे खड़ी है, जैसा की स्वराज एक्सप्रेस ने इस खबर को दिखाया है, मैं नहीं ये महिलाएं बोलेंगी आखिर उनको कब से नहीं मिला। कोई 11 महीने हमारा रिपोर्टर बता रहा है, कोई 3 महीने बता रहा है, लेकिन ये एक पहला ऐसा मामला होगा शायद यहाँ पे 2 साल से कोई भी पोषण आहार महिलाओं को नहीं मिला। कुपोषित यहाँ के बच्चे होते हैं, इलाज के लिए दूर दूर जाते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग। मैं सीधे आपकी बात करवाता हूँ। अम्मा क्या नाम है आपका? राम भाई। कब से यहाँ पे पोषण आहार नहीं मिला? हमें तो कैसा ही नहीं मिलो। नहीं मिलो? नहीं मिलो। कोई आता है यहाँ पे? नहीं यार, कोई नहीं आ रहा बेटा यहाँ, कोई नहीं आया। बोला 2 महीना नहीं मिलो। आप 1 साल की बोल रही थी? हाँ 1 साल। चैन सिंह जरा ये भी पूछिए कि जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पूछा जाता है तब वो क्या कहती हैं? देखिए आंगनबाड़ी यहाँ पर है नहीं है, एक किसी के किराए के घर में यहाँ पर आंगनबाड़ी लगाई जाती है, जो दूसरी आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ से काफी दूर है, क्योंकि ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। ठीक है चैन सिंह, बहुत बड़ी आप खबर बता रहे हैं कि इतने बड़े इलाके में एक भी आंगनबाड़ी नहीं है, किराए के मकान में आंगनबाड़ी लगाई जाती है और वहां पर भी पोषण आहार नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से साबित होता है कि कहीं ना कहीं सरकार द्वारा अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं कहीं ना कहीं इस योजना में पलीता लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और उदासीनता के रवैये के चलते उन महिलाओं को, उन बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया चैन सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए, और तमाम सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक वो जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन जानकारी तो पहुंच गई पर सवाल अब भी खड़ा हुआ और सवाल ये है कि किसका हो रहा है आखिर पोषण? शिवराज सरकार में तमाम ऐसे अधिकारी जिनके कंधों पर एक अहम जिम्मेदारी है, एक अहम जवाबदारी है, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर महिला बाल विकास विभाग है, लेकिन इस विभाग के जरिए जो पोषण आहार महिलाओं की थाली तक पहुंचना चाहिए, जो निवाला छोटे छोटे बच्चों का बनना चाहिए, पर वो निवाला छीना जा रहा है। ये निवाला कहां जा रहा है, ऐसा ही सवाल स्वराज एक्सप्रेस पूछ रहा है। आज की स्पेशल पेशकश में फिलहाल इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।